तो देश में आज किसकी सरकार बनेगी, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं, काउंटिंग का इंतजार किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जो एग्जिट पोल है वो एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की जो कमान है वो नरेंद्र मोदी को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कितने सटीक साबित होंगे जो अनुमान लगाया जा रहा है तमाम एक्सपर्ट्स की ओर से, कम से कम एक डिस्क्लेमर ये दे देते हैं। अश्विनी भाई हमारे साथ आ गए हैं। अश्विनी जी, प्लेजर टू हैव यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमारे साथ आने के लिए, हमारी सुबह बनाने के लिए। और डिस्क्लेमर मैं ये दे रहा था अश्विनी भाई कि ऐसा है कि नतीजे जो भी हो, पारा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और जो बीपी है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जो कहा था कि ऐसा है कि आर या पार हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, ये डू एंड डाई का इलेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इलेक्शंस है, लोकतंत्र का पर्व, पूरी दुनिया जानती है। इस तरह के जो है थ्रेट मत कीजिए, ये एक अपील है, ये एक डिस्क्लेमर है। इसलिए वैभव हमारे साथ हैं, अजय जांडियाल हमारे साथ हैं, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। वैभव, सबसे पहले कहाँ मौजूद हैं आप, क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस वक्त मैं भोपाल लोकसभा को लेकर जहां गिनती होनी है, मतलब स्ट्रांग रूम, वहीं पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर 3-लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है और 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, इसके बाद ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के आने की शुरुआत हो गई है, लेकिन निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक 7 बजे ही जो काउंटिंग एजेंट होंगे उनको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। मध्य प्रदेश में 67% करीब मतदान हुआ था, तो वो जो वोटर जिन्होंने मध्य प्रदेश के में मतदान किया है, लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया, उनको भी इंतजार है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है और 100 से ज़्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनको भी इंतजार है। आज वो महादिन है जिसका इंतजार हर किसी को, जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान आए थे उसने भी कहीं ना कहीं किसी को खुश होने का मौका दिया था, तो कुछ जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो थोड़े से मायूस भी नजर आए थे। लेकिन आज स्पष्ट हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और इसका इंतजार राजनीतिक दलों ने अपने मुख्यालयों पर भी कर दिया है। मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं आज वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे, काउंटिंग पर पूरी ध्यान बना के रखेंगे, वकीलों की फौज भी तैयार है। वहीं जो कमलनाथ है वो सुबह 10:30 बजे कांग्रेस कार्यालय पहुंच जाएंगे और सुबह 8 बजे से यहाँ पर गिनती होने की शुरुआत हो जाएगी, 5 बजे से ही काउंटिंग एजेंट यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वैभव, जरा तस्वीरें भी आप दिखाएं क्योंकि काउंटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी यहां पर की गई है और एजेंट्स को लेकर क्या पार्टियों ने तैयारी की है, कितने एजेंट यहां पर होंगे, तस्वीर एक बार दिखाइए आप। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा, जस्ट मेरे पीछे जो गेट है, जो मतगणना स्थल है, वो गेट खोल दिया जाएगा और सुबह 7 बजने के बाद ही वहाँ पर जो काउंटिंग के एजेंट हैं उनको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। वो अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, इसके साथ ही अपने साथ वो कैलकुलेटर भी लेकर नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी जाँच करेंगे, उनकी जाँच करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा और जैसे ही वो स्ट्रांग रूम के अंदर पहुँचेंगे वहाँ उनकी फिर से जाँच की जाएगी। किसी भी जो काउंटिंग एजेंट है उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। जो स्ट्रांग रूम है वहां से भी जो काउंटिंग एजेंट है वहां पर घूम भी नहीं सकता, जैसे ही काउंटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ही वो काउंटिंग एजेंट जो है वो बाहर की बात हो रही थी, क्योंकि लगभग एक ही दिशा में नजर आ रहे थे, एनडीए की गई है उसके साथ ही यहां पर बाद बीजेपी का जोश पूरे तरीके से आई है। कल भी हमने देखा, अब और कल जब हम विजय चौक पर अपना शो कर रहे थे तो तमाम बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि लड्डू जो है अभी से बनने शुरू हो गए हैं, तो जो विपक्ष के नेता वो ये कह रहे थे कि अभी साहब बहुत जल्दी कर दी है। लेकिन क्योंकि एक तरफ ही जो है एग्जिट पोल तस्वीर दिखाते नजर आ रहे थे कि लगभग जो है तस्वीर साफ है, यहाँ पर मोदी सरकार की वापसी हो रही है, तो जोश यहाँ पर बड़ा हाई है। लेकिन अश्विनी जी किस तरीके का चुनाव ये लड़ा गया है आपके मुताबिक? एक बड़ा चुनाव, एक लंबा चुनाव, थकाने वाला चुनाव, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उसकी भी तैयारी, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो या तो पर्चा लीक हो गया था या फिर मास्टर जी मिले हुए थे। देखिए, स्वतंत्रता के 75 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से हुआ है, जबरदस्त हुआ है, झूठ का भी काफ़ी इसमें उपयोग हुआ है, हिंसा भी काफ़ी हुई है, खासतौर पर बंगाल वगैरह में। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका जो परिणाम आएगा वो भी एक ऐतिहासिक परिणाम होगा। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि इस बार 1984 में का जो रिकॉर्ड था राजीव गांधी जी का 404 का, शायद वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा, क्योंकि जनता की जो डिमांड है ना
उसको सारे पॉलिटिशियन सारी पॉलिटिकल पार्टियां समझ नहीं पाई हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एड्रेस किया है, क्योंकि लाल किले से पहली बार ये बोला गया है कि गुलामी की सोच को खत्म करना है, गुलामी के एक एक निशान को मिटाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लाल किले से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और जो विकास के कार्य हुए उसमें बहुत चर्चा हुई, 51 करोड़ बैंक खाते खोले गए, फ्री के सिलेंडर दिए गए, एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना, एशिया का सबसे बड़ा हाईवे बना। लेकिन जो एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात हो रही थी, वो जो हुआ है मुझे लगता है अब जनता वही चाहती है। और शायद ये टेन्योर अगला 5 साल का ये डॉक्टर साहब का सपना पूरा करने वाला है। और जब मैं डॉक्टर साहब कह रहा हूं तो मैं 3 डॉक्टर की बात कर रहा हूं, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुझे लगता है ये अगला 5 साल इन 3 हमारे जो डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शायद उनका सपना पूरा करने का ये कार्यकाल है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से ग्राउंड पर चलते हैं, अजय जांडियाल का रुख करते हैं। अजय, इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, और यहाँ पर जो जिस तरीके से घाटी ने जो है संदेश दिया, जो रिकॉर्ड जो है 370 के बाद जो हमने देखा है कि कश्मीर में वोटिंग हुई, ये अपने आप में अभूतपूर्व था, ये अपने आप में बताने के लिए काफी था। और पीओके का संदेश भी बहुत कुछ कहता है, थोड़ी देर में जो है वो रुझान आने लगेंगे। इस वक्त सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और क्या कुछ स्थिति? देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग, आपको बता दूं कि इस वक्त हम कठुआ जो है काउंटिंग सेंटर पर हैं, और यहीं पर सबसे जो पैनी नज़र आज देश बनाए हुए होगा, क्योंकि यहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो प्रत्याशी हैं, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर मुकाबला उनका जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, जो पहले मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, चौधरी लाल सिंह के साथ है। और यहां आपको बता दूं कि सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं, और जिस तरीके से लगातार लोगों ने वोटिंग की है, जिस तरीके से लगातार जो बदली तस्वीर जम्मू कश्मीर की देश भर में जिसने असर डाला है चुनावों पर, वो सामने आए हैं। उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार कश्मीर की जो बम्पर वोटिंग जो है वो किस ओर लेकर जाती है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ की जो तस्वीरें हैं उसमें सुरक्षा बलों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि कोई भी ऐसा शख्स इस पोलिंग काउंटिंग सेंटर के अंदर ना जाए जो किसी भी तरह का कोई खतरा हो सके। मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाए गए हैं, इसके अलावा स्कैनर्स लगाए गए हैं ताकि कोई सामान अंदर जा रहा है तो उस चीज़ को पूरे तरीके से देखा जा सके। और इसके साथ साथ सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो अलग अलग जगहों पे काउंटिंग सेंटर के आसपास की हुई है ताकि कोई भी चुनावों के नतीजे आने के बाद कोई हुल्लड़बाजी या कोई ऐसा करेगा तो उससे निपटने की तैयारियां जो हैं वो पूरी रखी गई हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर के चुनावों की बात है, अगर आप देखें तो पिछले इतने सालों में 30 सालों का जो रिकॉर्ड कश्मीर ने तोड़ा है, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो साउथ कश्मीर का इलाका हो, अनंतनाग का, या फिर सेंट्रल कश्मीर का, जहां लोग वोट देने ही नहीं जाते थे, इस चीज़ का खतरा रहता था कि अगर वो वोट देने जाएंगे तो आतंकी उनको जो है मार देंगे। इस चीज़ का खतरा होता था कि अगर वो वोट डालने जाएंगे तो जमात के लोग, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बकायदा कॉल होती थी, कहा जाता था इंडिया के लिए कि वोट कर रहे हो या तो इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता। वो तमाम चीजें हमने देखी है, वो अलगाववादियों की वो कॉल, और बकायदा वो अलगाववादी जो बकायदा जिनको जो है 5-स्टार ट्रीटमेंट दिया जाता था, इफ्तारी यहाँ पर होती थी, वो खैर वो चीजें जो है अब वो लद गई। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये देखिए, वो कश्मीर से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ आज इंडिया न्यूज के दर्शकों को कि एक घटिया कानून कितना दुष्परिणाम देता है। दो धाराएं थी, एक आर्टिकल 370 और एक आर्टिकल 35A, और जो कानून भी नहीं था, आप तो बहुत अच्छे जानते हैं, टेम्परेरी प्रोविजन था, टेम्परेरी प्रोविजन, लेकिन कहां तक ढोते रहे सचिन जी। जो कश्मीर में पलायन हुआ, कश्मीर में नरसंहार हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कश्मीर में बहुत सारी बहनों का मांग, सिंदूर उजड़ा, इन सबके पीछे वो दो धाराएं थी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जो चोर दरवाजे से आई थी। आर्टिकल 370 टेम्परेरी थी, केवल 5-10 साल के लिए थी, और आर्टिकल 35A तो कभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुई थी। बिल्कुल। और दुर्भाग्य देखिए कि जब उसको सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो आज जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं वो लोग आर्टिकल 35A 370 को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण कितने सैनिक मारे गए, कितनी बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, सारा कश्मीर खाली हुआ, पलायन हुआ, कश्मीर में शांति बनी रही। और आप देखिए जैसे ही 370 35A खत्म हुआ, कश्मीर में शांति आ गई, कश्मीर में विकास हो रहा है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, कश्मीर में जो है एक तरीके से फिर से पूरा अमन चैन आ रहा है। कश्मीर में अभी 23 जून को श्रीनगर में
गीता महोत्सव हो रहा है कश्मीर के श्रीनगर में, 23 जून को गीता महोत्सव होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, 6 महीने पहले की बात है, मैं गया था कश्मीर, मतलब कमरा नहीं है रहने के लिए। हाँ, होटल में आप 1-1 लाख रुपए का, मतलब 1-1 लाख रुपए पर नाइट का जो है रूम है, 5-स्टार होटल तक सारे बुक है। G20 जिस तरीके से हुआ और इसकी विडंबना देखिए। संतोष भाई आप हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपको, गुड मॉर्निंग। इसकी विडंबना ये कैसी कि हम आए तो दोबारा 370 ले आएंगे। हाँ। जिस 370 की शीट लेकर के वो गिलानी और जिलानी और क्या कहते हैं तमाम मीरवाइज, हाँ। मीरवाइज जो कहा करते थे कि भैया बच्चों के जो है किताबें जला देंगे, स्कूल जला देंगे, जिस तरीके से होता था, मतलब ये कैसी विडंबना है देश की। संतोष भाई जी देखिए, कश्मीर की बात हो रही है, संतोष जी आएंगे आपके पास, माधवी लता कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। अच्छा ठीक है, संतोष जी बात पूरी करें। जी कश्मीर को लेकर बात हुई है कि कश्मीर की स्थितियां बदली हैं 370 और 35 से हटने के बाद। स्वभावतः अगर कहा जाए यह काम थोड़ा पहले हो गया होता तो कश्मीर में जो पलायन हुआ, कश्मीर में जिन लोगों को बाहर किया गया, कश्मीर को छोड़कर जो लोग जाने के लिए मजबूर हुए, शायद वो नहीं जाते। अब फिर से अगर ये कहा जा रहा है या कहा गया चुनाव में कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको वापस लेके आएंगे, इसका मतलब कि कश्मीर में फिर वही स्थिति लाने की बात थी। दूसरी ये भी तो वो कह सकते हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी सरकार या वर्तमान सरकार ने किया है उन सारे कामों को हम पलट देंगे। इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि जो हुआ उसको भी पलटेंगे, या जो बड़े विरोध की बात करते हैं यानी 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो आप जनता की नब्ज को नहीं समझ रहे हैं। वहां पर लोग जागरूक हो गए हैं, वो स्वागत कर रहे हैं 370 हटाने के फैसले का, और उसके बाद भी आप मैनिफेस्टो में इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए विकास का स्वागत सभी लोग करेंगे, जो भी थोड़े समझदार होंगे वो करेंगे, लेकिन आप उन तक विकास पहुंचाएंगे तब तो? पिछले 70-75 सालों में कश्मीर में विकास का कौन सा खाका खींचा गया था या विकास का कौन सी रूपरेखा तैयार की गई थी जो कश्मीर में गई थी? जिस कश्मीर में आपको ध्यान होगा सचिन जी कि पिछले चुनाव में जब फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़े थे और श्रीनगर में कितने % वोट हुए, 9 या 10% वोट हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। तो 9 और 10%